ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाबा कहते ये वर्ल्ड ड्रामा हर 5,000 साल के बाद हूबहू रिपीट हो रहा है, हूबहू चल रहा है और अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। फिर बाबा क्या करता है? बाबा इस ड्रामा को देखता रहता है क्या? बाबा ने ये ड्रामा ऐसे क्यों बना रखा है? करोड़ों सालों से परमात्मा इस ड्रामा को रिपीट किए जा रहा है, बोर नहीं हो जाता? बार बार एक ही फिल्म देख रहा है, एक ही फिल्म चला रहा है, क्या दूसरी फिल्म नहीं बना सकता? क्या बाबा को तेंज पसंद नहीं है? और कोई काम नहीं है क्या बाबा को? हमारे जीवन को दुखी बना रखा है, कोरोना फैला दिया, बीमारी फैला दी, चारों तरफ सारे दुखी दुखी हो रहे हैं, केसों से कोर्ट भरी पड़ी है, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, ऐसा नरक क्या जरूरत पड़ी थी बनाने की? बाबा बड़ा चालाक है, मेरे को दिखाई नहीं देता परंतु तो उसकी चालाकियां सारी समझ में आती है। अपना शरीर नहीं बनाया, अपना रोल बिना शरीर के, ना खाना पड़े ना पीना पड़े, ना सुख देना पड़े ना सुख लेना पड़े, ना दुख देना पड़े ना दुख लेना पड़े, अपना रोल बड़ा वंडरफुल बनाया। इस रोल को भी कहता नहीं कि मैंने बनाया, कहते बच्चे ये वर्ल्ड ड्रामा हम सब आत्माओं ने, प्रकृति ने और समय ने मिलकर बनाया है, जिसमें हर आत्मा अपने रोल के लिए खुद जिम्मेवार है। मैंने किसी आत्मा का रोल नहीं बनाया, हर एक आत्मा ने अपने कर्मानुसार अपना रोल बनाया है। आपको रोल पसंद नहीं है, आप अभी रोल चेंज कर लो। आपको रोल चेंज करने का अधिकार है। आप आज ही अपने रोल को चेंज कर दो, जैसा बनाना चाहो वैसा बना लो, वही 5,000 साल के लिए फिक्स हो जाएगा एकदम। आप अपने रोल से खुश नहीं है तो अपने रोल को आज ही चेंज कर लो। कर लो, नहीं कर सकते हो तो मैं क्या करूं? आपका रोल है, भूतकाल में तो चेंज नहीं कर सकते हो, परंतु तो वर्तमान आपके हाथ में है, आप जैसा रोल करना चाहो कर दो। वही रोल आपने 5,000 साल पहले किया था, वही रोल आप 5,000 साल बाद करेंगे, इसलिए किसी को उसके रोल का पहले से पता नहीं होता। जैसे नाटक के अंदर हर एक को अपना रोल पता होता है, यहाँ किसी भी आत्मा को अपना रोल पहले से मालूम ना होने के कारण ये रोल भर अनादि काल से अनंत बार रिपीट हो चुका है, किसी भी आत्मा को ये नहीं लगता कि मैं अपना रोल रिपीट कर रही हूं, मेरे साथ क्या होने वाला है। नाटक में सस्पेंस अंत तक बना ही रहता है, बना ही रहेगा, क्योंकि पहले से किसी भी आत्मा को पता नहीं होता और यह हर बार न्यू है।
हर बार ये मास्टर कॉपी रहता है, क्योंकि हर बार बाबा कहते बच्चे आप जैसे प्ले करते हो, जैसा अब आप नाटक कर रहे हो, यही रिकॉर्डिंग हो रही है, यही मास्टर कॉपी अगले कल्प रिपीट होगी। जब ये रिपीट होगी तो रिकॉर्डिंग भी नई होगी, इसलिए हर कल्प मास्टर कॉपी रहती है जो कभी घिस कर परिवर्तन नहीं हो सकता। सेम वीडियो बार बार रिपीट की जाए वो वीडियो गिर जाएगी, परंतु यहां तो हर कल्प की वीडियो नई और हूबहू रिपीट होती है, हूबहू रिकॉर्डिंग होती है और हूबहू अगले कल्प प्ले होती है। तो किसी भी आत्मा को ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि 5000 साल पहले भी ऐसा हुआ था, नहीं और क्यों का प्रश्न उठ नहीं सकता। जानकारी लेना अच्छी बात है, जानकारी के लिए क्यों करना अच्छी बात है, परंतु जानबूझकर क्यों करना उसका कोई जवाब नहीं। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप। ओम शांति।